स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड एंकर पर्सन इरफान जहीर साहब ने। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं इरफान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ वाज द मैच? मैच बहुत अच्छा गया सर। ये मैच था सर, ये मैच था या मैच पड़ गया था? बिल्कुल ऐसा ही है। अंदर की तरफ से देखें आज हम खेल रहे थे, बट क्रिकेट में जब आप डेली अच्छी कहीं ना कहीं आप कंप्रेसर ऐसा मैच जरूर आता है जहां आप चौक करते हो। आपको याद होगा मुल्तान लास्ट सीजन में तमाम मैच जीत रहे थे और फाइनल में जाके लाहौर ज्यादा ने उनको शिकस्त दे दी। तो ये क्रिकेट जरूर होता है। और हम जहां तक कल की बात करें इनिंग्स की, तो जिस तरह पेशावर जमी ने स्टार्ट लिया बहुत खूबसूरत इनिंग खेली साई मयूब ने। अगर हम फाइन बात करें इस पीएसएल में, तो जहां एहसानुल्लाह की बात करते हैं, इसी तरह हम बैटिंग के अंदर अगर यंगस्टर की बात करें तो साई मयूब और मोहम्मद हारिस दो ऐसे लड़के हैं जो बड़ी दिलेरी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। और आजम खान का तो हमेशा हमने जिक्र किया, ये दो तीन लड़के हैं, इन्होंने बताया कि अब T20 क्रिकेट किस तरह खेली जाएगी और यही अब तरीकाकार है। और हमने देखा 36 बॉल पे 68 रन किए, 180 प्लस का स्ट्राइक रेट था। और ये मेरा ख्याल है कि अब आने वाले वक्तों में ये बच्चे एक अपना मार्क भी छोड़ रहे हैं और तमाम जो नए जनरेशन है उनको भी लेके चलने वाले आ रहे हैं कि ये अब इस मेथड के साथ दुनिया की क्रिकेट चेंज हो चुकी है और हम अडॉप्ट कर चुके हैं। तो ये बड़ा अच्छा साइन। बिल्कुल शाहीन, कई दफा बड़ों को लीड कर। बिल्कुल ठीक हो गया इरफान साहब। शाहीन शाह की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग, ब्रावो। महिराना राय हमें चाहिए आपकी। शाहीन की बड़ी अच्छी चीज है कि वो ग्रेजुअली जो शादाब चीजें अच्छी कर रहे हैं उन्होंने भी अडॉप्ट करनी शुरू की है। मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि शाहीन अपने आप को कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हैं, बट अब हमने देखा कि वो बैटिंग में भी अपने आप को ऊपर लेके आ रहे हैं, अपनी बैटिंग को भी मैक्सिमाइज कर रहे हैं, जितना चांस देना चाहिए वो दे रहे हैं। इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी हमने देखा कि जब हिटिंग हो रही थी तो उन्होंने अपने आप को लेके आए। मेरा मान हमेशा ये होता है, कल भी मैंने यही बात की थी कि जो आपका कैप्टन होता है वो अपने आप को हाइड नहीं करता, वो सबसे पहले अपने आप को रखता है कि मैं ऐसी मुश्किल सिचुएशन में आके बॉलिंग करूंगा, मैं आके विकेट लेके दूंगा या बैटिंग करूंगा। तो शाहीन करीब शो कर रहे हैं क्योंकि जब कैप्टन आपका क्रीजियस होता है वो एफर्ट मारता है तो पूरी टीम उसको फॉलो करती है। तो ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छा साइन है और कुछ है। और ये सब शाहीन के लिए बहुत अच्छा साइन है कि शाहीन को अगर हम फ्यूचर में एज ए कैप्टन भी अगर किसी जगह पे देख रहे हैं तो ये मेरा ख्याल है कि तमाम बॉक्सेस को टिक कर रहे हैं। बिल्कुल सही। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के मैच पर क्या कहेंगे इरफान जहीर साहब? हमने अपने इंट्रो में कहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स के जबड़ों से फतह छीन ली। बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान ने तकरीबन आप समझ लें कि 90% मैच अपने कंट्रोल में रखा, बट एंड में आकर फहीम मुशर्रफ की ब्रिलियंट इनिंग्स ने वो उनसे फतह छीन ली उसमें। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आखिरी दो ओवर थे जब वो बैटिंग कर रहे थे मुल्तान सुल्तान और टिम डेविड ने जो खूबसूरत इनिंग खेली, खासतौर पर जब उन्होंने रुमान रईस के ओवर के अंदर 30 रन भी लगाए, उसके बाद ये लगता था कि ये 230-235 तक ले जाएंगे टोटल को, बट लास्ट दो ओवरों के अंदर उन्होंने सिर्फ 13-14 रन बना पाए। उधर से मेरा ख्याल है कि मोमेंटम जो था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ब्रेक किया और अपनी तरफ शिफ्ट किया और फिर उसी मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने फिर जब बैटिंग की आल दो के उनके विकेट गिरती रही। बट जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वो साइड है जो डार्क हॉर्स है और इनको बड़ी क्लैरिटी है, कप्तान शहजाद को बड़ी क्लैरिटी है कि हमने क्या करना है। उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, मनरो ने अच्छा चिप ऑन किया, गुरबाज ने अच्छा 25 रन की इनिंग्स खेली, सब परफॉर्म थोड़ा थोड़ा करते रहे, बट जो फिनिशिंग टच था हम देख रहे हैं कि 3 मैचेस के अंदर कंजेक्टिव ऐसा हो रहा है कि फहीम मुशर्रफ आउट नहीं हो रहे और उन्होंने जाके अपनी टीम को विक्ट्री दिलवाई। देखिए फहीम मुशर्रफ 6-7 साल टीम के साथ थे बट लास्ट 1.5 साल से उनको नहीं खिलाया जा रहा था, और अगर उनको खिलाया भी जाता था तो T20 में टेस्ट मैचेस में खिलाया जा रहा था। और मुझे समझ नहीं आ रही थी जिसको आपने 5-6 साल इन्वेस्ट किया, सारा कुछ आपने जांच दिया तो क्यों बाहर किया। तो ये मेरा ख्याल है फहीम ने एक दफा दोबारा किया कि वो T20 में या ODI में भी बन टीम में उनकी जगह बनती है और एक ऑलराउंडर की यही वैल्यू होती है। और इसी तरह टिकट करे तो उन्होंने भी लाहौर कलंदर की जब जब चेस कर रहे थे तो बड़ी शानदार इनिंग खेली। ये दोनों लड़के
फहीम के अंदर क्योंकि बॉलिंग भी अच्छी करते हैं तो फहीम को ज्यादा आप मार्जिन दोगे, वो ज्यादा नंबर लेंगे कि वो टीम में थर्डली रिजर्व करते हैं खेलने के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इरफान सिंह साहब, अगर मगर का खेल इस वक्त आप जिसका जिक्र कर रहे थे वो कहां तक पहुंचा, क्या देख रहे हैं? कल वैसे हम बात कर रहे थे, अब तो खत्म हो गया ना पिशावर ज़लमी के पास, तो चांस खत्म हो गया ना सर अगर मगर का? बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और 99% कोयटा के लिए भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि हम स्टैट के ऊपर बात करते हैं, पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, तो वो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि रियलिस्टिकली तो कोयटा का भी खत्म है, लेकिन ऑन पेपर एक ऑप्शन जिस तरह हम हमेशा कहते हैं कि अगर लेट्स अज्यूम कोयटा अपने दोनों मैच जीते, ज़लमी या मुल्तान अपने दोनों मैचेस रिमेनिंग हारे, तो एक वो पॉइंट से वो बराबर हो जाएगा और रन रेट में बात होगी, बट रियलिस्टिकली बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, ऐसा होना नामुमकिन ही नजर आ रहा है। सही, तो थोड़ी साइन की बात करते हैं इरफान सही साहब, अब साइन की परफॉर्मेंस कैसी लगती है आपको? लगता है कभी कभी उसमें ब्रायन लारा भी नजर आ रहा है और चंद्र पॉल भी कभी कभी उसमें हमें नजर आ रहा है, व्हाट डू यू से? देखिए लेफ्ट हैंडेड जब भी खेलता है तो बड़ा एलिगेंट और खूबसूरत नजर आता है, उसकी दो तीन रीजन होती है, एक तो 80% आपकी जो बैटर है वो राइट हैंडेड होते हैं, तो आपकी आंखों में ज्यादातर राइट हैंडेड नजर आ रहे होते हैं, लेफ्ट हैंडेड थोड़े यूनिक होते हैं, जब लेफ्ट हैंडेड खेलता है जो स्टाइलिश वो नजर आना शुरू होता है, उसकी एलिगेंस ज्यादा नजर आती है। टाइम यू की खूबसूरती ये है जहां हम उसकी बात करें कि वो बड़ा दलेर है, क्रेजियस बैट्समैन है, साथ उसके पास इनोवेशन बहुत ज्यादा है। आप ये देखिए कि वो रैंप मारता है, पीछे स्वीप मारता है, फिर इसके बाद बड़ी हिटिंग भी करता है, हालांकि उतना पावरफुल लगता नहीं है, अभी बच्चा एज उसकी कम है। खासतौर पर उसकी जो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करने वाली चीज है, आपने देखा कि राशिद खान को जब इस तरह उसने अटैक किया तो राशिद खान को उसने दो तीन छक्के लगाए और बड़े जबरदस्त किस्म के थे और उसको हैंड से रीड किया। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप अटैक करते हो आप बॉलर के ऊपर, ऐसे बड़े बॉलर को, तो आप चार्ज करते हो, स्लॉग करते हो, टॉप स्वीप मारते हो, इसने उसको स्लॉगिंग नहीं, प्रॉपर टेक्निक शॉट मारी, इसने उसकी घुगली को रीड किया, इसने उसकी लेग ब्रेक को रीड किया, आज दो के बाद में विकेट ले ली उन्होंने खाने की। हारिस रऊफ तो पहली बॉल पे छक्का मार दिया था, दूसरी बॉल पे चौका मार दिया था। जी जी ऐसे ही है, और जब इवन राशिद ने इनको आउट भी किया तो राशिद ने इनको शाबाश दी कि ऑब्वियसली उन्होंने देखा कि बच्चे के अंदर करी देखी, वो सारा कृपा देखा। और इसमें जमीन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये कि जब इन्होंने पहले भी इनिंग खेली थी तो पूरे भारत में इनकी परफॉर्मेंस का चर्चा हुआ कि एक सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान के पास भी बैट्समैन आ गया जो बड़ा दलेर है और बड़ी जबरदस्त हिटिंग करता था, सच्चे तो बड़े ज्यादा होने शुरू हो गए थे। मेरा हमेशा ये मानना है कि जब आपके पास टैलेंट आ जाता है तो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो आप, तो उसको फिर आपको लेके चलना चाहिए। सही बात, सही बात करना, बिल्कुल सही कहा इरफान जहीर साहब, बहुत अच्छी बात की आपने और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी हम लेंगे जल्दी से ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।